जॉस बटलर का ये डीआरएस जो आज तक का सबसे घटिया डीआरएस कहा जा रहा है, और बांग्लादेशी खिलाड़ी ने की मैदान पर इतनी बड़ी गलती जिसने उसे सीधे हॉस्पिटल पहुंचा दिया। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाएंगे जहां आपको ऐसा लगेगा कि जैसे क्रिकेटर्स अपना दिमाग घर पर ही भूल कर आ गए हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर वन, दोस्तों आपने बल्लेबाजों को ऑफ स्टंप्स के बाहर की बॉल छोड़ते हुए तो देखा ही होगा, पर ग्लेन मैक्सवेल तो भाई मिडिल स्टंप्स की लाइन वाली बॉल ही मिस कर गए। बिग बैश लीग के एक मैच में बॉलर मैक्सवेल को एक यॉर्कर फेंकता है। मैक्सवेल पहले तो आगे की ओर तेजी से बढ़ते हैं, पर फिर उन्हें लगता है कि शायद बॉल काफी बाहर जा रही है, जिसको देखते हुए वो बॉल को छोड़ देते हैं और बॉल सीधे जाकर उनके स्टंप्स बिखेर देती है। नंबर टू, दोस्तों बांग्लादेश के मुशफिकुर रहीम मैदान पर ऐसे ऐसे करामात करते हैं ना कि लोग हंसी से लोटपोट हो जाते हैं। फिर चाहे वो 2016 T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ जीत से पहले सेलिब्रेट करना हो, या फिर खुद ही स्टंप्स पर लात मारकर हिट विकेट हो जाना, रहीम और मीम ये दोनों मानो बिल्कुल साथ साथ ही चलते हैं। और ऐसा ही कुछ मुशफिकुर रहीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ इस टेस्ट मैच में भी किया, जब उन्होंने काइली जेमिसन की बॉल को डिफेंड तो किया लेकिन फिर फील्डिंग करने का मन भी खुद ही बना बैठे। अब कहने को तो रहीम बॉल को स्टंप्स की ओर जाने से बचा रहे थे, लेकिन बॉल स्टंप्स की ओर तो जा ही नहीं रही थी ना, और भाई रोकना ही था तो बैट से रोक लेते। अब भैया विकेट कीपिंग थोड़े हो रही थी जो आप हाथ से बॉल रोक रहे हो। So they should have balled Jamieson, especially when Mushfiq came in, and there is a big LWD for. Number three. अब दोस्तों, जब बात DRS की होती है तो सबसे पहले हमें MS धोनी की याद तो आती है, जिन्होंने DRS का इस्तेमाल इतना accurately किया कि इसका नाम ही धोनी रिव्यू सिस्टम रख दिया गया। क्या बात है, धोनी रिव्यू सिस्टम एक बार फिर, एक खिलाड़ी अद्भुत है। पर जॉस बटलर ने एक ऐसा रिव्यू लिया जिसको देखकर धोनी भाई तो यही कहेंगे, क्या कर रहे हैं यार तू, मजाक है क्या। तो हुआ क्या कि लियम लिविंगस्टोन की एक स्ट्रेट बॉल न्यूजीलैंड के बल्लेबाज के बल्ले से टकराई, जिस पर जॉस बटलर अपील करते हैं और जाहिर तौर पर अंपायर इसे नॉट आउट देता है। लेकिन जॉस के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि वो इस पर DRS ले लेते हैं। जॉस बटलर का ये फैसला इतना बेकार था कि इसे आप इसी बात से समझ सकते हो कि कमेंटेटर इसे क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे घटिया DRS कॉल बता देते हैं। नंबर फोर, दोस्तों वो कहते हैं ना कि क्रिकेट के मैदान पर वही चमकता है जो दूसरे से अलग होता है, पर यहां मानस लाबिशेन तो कुछ ज्यादा ही अलग और जुदा नजर आए। इंग्लैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच के दौरान पैट कमिंस की बॉल इंग्लिश बल्लेबाज के बैट से काफी दूर से निकलती हुई विकेट कीपर के ग्लव्स में जाती है, पर मानस लाबिशेन इस पर अपील करने लगते हैं, और अपील भी ऐसी मानो कि पूरी तरह वो कॉन्फिडेंट है कि बॉल तो बैट के एज पर लग कर ही गई है। लेकिन मजा तो तब आता है जब लाबिशेन देखते हैं कि उनका कोई भी टीममेट अपील नहीं कर रहा और बल्लेबाज से लेकर सारे फील्डर्स उन्हें ही घूरे जा रहे हैं। अब भाई ऐसे में उनका चेहरा तो देखते ही बनता था। नंबर फाइव, दोस्तों क्रिकेट मैच के दौरान सिर्फ कैमरामैन की नजर ही लड़कियों पर नहीं रहती, बल्कि कुछ खिलाड़ी भी ख्यालों में खोए रहते हैं। बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के एक टेस्ट मैच के दौरान साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज एक कट शॉट खेलते हैं जो सीधे स्क्वायर पर खड़े मेहंदी हसन के पास जा रही थी, पर मेहंदी तो भाई अपनी ही धुन में मस्त थे और वो तो बॉल को देख ही नहीं रहे थे। नतीजा ये हुआ कि बॉल सीधे जाकर मेहंदी को लगती है और वो बुरी तरह चोटिल हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें स्ट्रेचर से मैदान के बाहर ले जाया जाता है। नंबर सिक्स, दोस्तों एक समय था जब साउथ अफ्रीका के जॉन्टी रोड्स स्पाइडर मैन की तरह हवा में उड़ते हुए रन आउट करते थे। जिम्बाब्वे के एक फील्डर ने भी कुछ ऐसा ही करने का सोचा,
लेकिन फिर जो हुआ ना भाई, उसने तो सभी को हंसी से लोटपोट कर दिया। अफगानिस्तान के बल्लेबाज सिंगल चुराने के चक्कर में थे, पर उनके बीच मिक्सअप हो जाता है और उस्मान घानी बीच पिच पर खड़े नजर आते हैं। पर मजे की बात तो ये है कि जिम्बाब्वे का फील्डर बॉल विकेट कीपर को नहीं देता, बल्कि खुद भागकर स्टंप्स पर मारने की सोचता है। ऐसे में घानी भी वापस क्रीज की ओर भागते हैं और वो फील्डर के पहले ही पहुंच जाते हैं। अब भाई ये इंसिडेंट देखने के बाद आप कमेंट करके हमें जरूर बताना कि आखिर विकेट कीपर ने फील्डर से कहा क्या होगा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब both batsmen and one end, Hamilton could have easily just thrown it, but he decided to run and he's made it. Number 7. दोस्तों ये तो हम जानते ही हैं कि मानस लैबिशेन की बैटिंग स्टाइल स्टीव स्मिथ से काफी ज्यादा मिलती जुलती है, पर स्टीव की कॉपी करते करते इस बार लैबिशेन ने भाई अपनी ही बैंड बजा दी। स्टुअर्ट ब्रॉड की बॉल लेग स्टंप्स पर जा रही थी, जिसे मानस लैबिशेन ऑफ स्टंप्स पर आकर खेलना चाहते थे, लेकिन शायद उन्हें पहले से बॉल की लाइन लेंथ का अंदाजा ही नहीं था, इसीलिए वो फिसल जाते हैं और बॉल जाकर सीधे उन्हें बोल्ड कर देती है। नंबर 8, दोस्तों मेहंदी हसन के बाद चलो आपको मैदान में सोता एक और बांग्लादेशी फील्डर दिखाता हूं, और इस बार बात करते हैं नजमुल हुसैन शांतो की, जो स्लिप पर फील्डिंग कर रहे थे। बॉल वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज के बैट के एज लेती हुई स्लिप की ओर जाती है, पर शांतो को तो जैसे होश ही नहीं थे कि बॉल उनके करीब से गुजर रही है। वो अपने हाथ पैर एक इंच भी नहीं हिलाते हैं और बॉल बाउंड्री की ओर निकलती चली जाती है। Neither man moved. Number 9. दोस्तों जब बात न्यूजीलैंड की होती है ना, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में दो ही चीजें आती हैं, जेंटलमैन प्लेयर्स और जबरदस्त फील्डर्स। लेकिन यहाँ जिमी नीशम ने कुछ ऐसा कारनामा किया है जिससे न्यूजीलैंड की सारी रेपुटेशन मिट्टी में ही मिल गई हो। मान लो नीशम एक वाइड बॉल फेंकते हैं जिसे जडेजा मिस कर देते हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइकर सेंट पर खड़े धोनी सिंगल चुराने की सोचते हैं, जिसके लिए जडेजा बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। विकेट कीपर बॉल को नीशम की ओर फेंकता है और अब नीशम के पास आराम से स्टंप्स पर बॉल मारने की पूरी पूरी अपॉर्चुनिटी थी, पर नीशम दूर से थ्रो मारने की कोशिश करते हैं और वो डायरेक्ट हिट मिस कर देते हैं। नंबर 10, अब आपको दिखाता हूं वुमेन्स क्रिकेट में कॉमेडी ऑफ एरर्स, जिसको देखकर आप अपनी हंसी को रोक नहीं पाएंगे। तो मैच था भारत और बांग्लादेश का। नॉन स्ट्राइकर सेंट की बैटर हाफ पिच पर खड़ी हुई होती हैं और थ्रो को अपनी ओर आते देख रही होती हैं। वहीं बॉलर जस्ट उसके पीछे खड़ी बॉल उसके पास आने का इंतजार में होती है। फील्डर की थ्रो जाकर सीधे नॉन स्ट्राइकर बैटर से टकराती है और बॉलर बॉल को पकड़ने के लिए जमीन में लौटती नजर आती है, पर अभी भी बैटर को वापस क्रीज में जाने का होश नहीं था। जैसे ही बॉलर के हाथ में बॉल आती है, बैटर क्रीज की ओर भागती है, पर फील्डर की थ्रो लगती ही नहीं है और इतने सब ड्रामे के बाद भी बैटर आउट नहीं होती। तो दोस्तों ये थे कुछ ऐसे मोमेंट्स जहां ऐसा लगा मानो खिलाड़ी दिमाग घर पर ही छोड़ा है। अब आप देखिए पाकिस्तानी खिलाड़ी की ऐसी फील्डिंग जिसको देखकर आप लोटपोट हो जाएंगे। कैसे कैसरिक विलियम्स का बीच मैदान में मोए मोए हो गया और एक बॉल को पकड़ने बांग्लादेश की पूरी टीम भागी बाउंड्री तक। ऐसे क्रिकेट के कुछ बेहद ही फनी मोमेंट्स देखने के लिए यहाँ क्लिक करिए, और हाँ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। धन्यवाद।